हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 1 मीटर फैब्रिक में बहुत ही स्टाइलिश टॉप स्टिच करना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है और 7.5 इंच हम आर्म होल की लेंथ भी लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। मैं यहाँ फोल्डेड साइड से मार्क कर रही हूँ और चेस्ट की मार्किंग के लिए हम लेंगे 9.25 प्लस 1 इंच हमारा कटिंग के लिए मार्जिन। चेस्ट से 7 इंच नीचे हमारी वेस्ट की मार्किंग होती है, तो हम यहाँ मार्क कर लेंगे। अब मैं वेस्ट की मार्किंग के लिए ले रही हूँ 8.5 प्लस 1 इंच, तो हो गया 9.5 इंच। ये दोनों मार्क कर रही हूँ। एक हमारा स्टिचिंग का मार्किंग है और एक कटिंग का मार्किंग है। फिर यहाँ से 7 इंच मैं हिप के लिए मार्क करूँगी। तो यहाँ हिप की मार्किंग के लिए भी मैं यहाँ ले रही हूँ 9.5 इंच प्लस 1 इंच, तो हो गया 10.5 इंच। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है साथ में। स्टिचिंग के पॉइंट्स को और कटिंग के पॉइंट्स को हम अलग अलग ज्वाइन करेंगे ताकि हमें स्टिचिंग के टाइम पर भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैं अब लेंथ 26 इंच ले रही हूँ, जो कि 1 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे। तो 25 इंच हमारा तैयार जो है टॉप का लेंथ होगा। यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा कर्व शेप देते हुए नीचे से कर्व ड्रॉ करूँगी बाहर की तरफ। तो यहाँ मेरा कर्व भी ड्रॉ हो गया है। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। यहाँ मैं आर्म होल का जो हमारा है 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ ऊपर से, और वहाँ से हम कर्व लगाएंगे। यहाँ फ्रंट आर्म होल के लिए मैं एक्स्ट्रा 1/2 इंच नहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉप है हमारा तो वो थोड़ा लूज ही सही रहता है। इसलिए मैं बैक और फ्रंट दोनों की सेम ही मार्किंग की हूँ। अब मैं यहाँ नेक की ड्रॉ कर लूँगी। तो नेक के लिए मैं विड्थ ले रही हूँ 4 इंच। और लेंथ ले रही हूँ मैं 4 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूँगी। अब मैं ये हमारा फ्रंट नेक हो गया, ऐसे कर्व ड्रॉ कर लिया मैंने। अब बैक नेक के लिए यहाँ मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी। बैक नेक के लिए भी मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है लाइन। अब मैं इसे भी कर्व शेप दे दूँगी। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कटिंग कर लेनी है। तो पहले मैं बैक की कटिंग करूँगी। ये दोनों फैब्रिक मैं साथ में कट कर रही हूँ फ्रंट और बैक के लिए। नेक की कटिंग करने के टाइम मैं बैक का फैब्रिक अलग कर दूंगी। ये हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई। आर्म होल को मैंने सेम ही रखा है। आप चाहें तो फ्रंट का आर्म होल 1/2 इंच डीप करके कट कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने सेम ही कट किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज ही चाहिए। अब मैं ये बीच की फैब्रिक हटा दूंगी बैक पार्ट को। अभी ये हमारा फ्रंट नेक कट हो जाएगा। तो हमारा फ्रंट नेक भी कट चुका है। तो अब मैं फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को ऐसे बराबर में रखते हुए इसका जो शोल्डर है उसको 1/2 इंच से ऐसे डाउन की तरफ कट करूंगी।
आर्म होल की तरफ हमें डाउन रखना है हाफ इंच, उससे अच्छा शेप आता है। तो ये मेरा कट हो गया है। अब मैं यहाँ अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ मैं आर्म होल के हिसाब से, हमारा आर्म होल है 7.5, तो 7.5 के लिए मैं यहाँ 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच प्लस 4 इंच हो जाता है 8 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में भी चला जाएगा। तो यहाँ मैं 4 इंच पर लाइन ड्रॉ करके उसे कर्व कर लिया है। अब यहाँ 6 इंच मैं लेंथ ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसका लेंथ रख सकते हैं स्लीव्स का। तो 6 इंच पर मैं दोनों साइड से ऐसे पॉइंट ड्रॉ करते हुए कर्व का शेप दूंगी। तो ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं 6 इंच पर। इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूंगी। अब मैं इन्हें कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी एक स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब मैं दूसरे स्लीव्स की भी कटिंग करूँगी। मैंने उसी तरीके से यहाँ भी फैब्रिक डबल फोल्ड करके ऐसे ट्रायंगल में फ़ोल्ड किया हुआ है, जो भी फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ था। और अभी जो मैंने कटिंग किया उसी को ऊपर रख कर यहाँ मैं फिर से कटिंग कर रही हूँ। तो ये मेरी दोनों स्लीव्स की कटिंग अब हो गई है। इसका फैब्रिक थोड़ा कम था, इसलिए बीच में हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो ये दोनों फैब्रिक को मैं यहाँ बीच से ऐसे ज्वाइन करूँगी। तो ये हमारे एक स्लीव्स होगी। यहाँ बीच से हम ऐसे पकड़ते हुए उल्टे साइड से स्टिच कर लेंगे। और ये दूसरी स्लीव्स हमारी, इसे भी हम सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे बीच से। यहाँ पर मैं नेक के लिए, नेक की फिनिशिंग के लिए यहाँ मैं क्रॉस में स्ट्रिप कट कर रही हूँ। जो भी फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है उससे मैं स्ट्रिप निकाल लूँगी ऐसे क्रॉस में करते हुए। तो यहाँ मैं स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। अराउंड 1 इंच मैंने लिया है इसकी विड्थ। थोड़ा और मैं कट कर लूंगी, इसमें ज्वाइंट कर लेंगे फिर। तो ये भी 1 इंच पर मैंने कट कर लिया है। अब इन दोनों स्ट्रिप को मैं ज्वाइंट कर लूंगी यहाँ से, उल्टे साइड से हमें रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स भी ज्वाइंट कर लिया है। और ये स्लीव्स जो हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स थी, इसको भी मैंने बीच से ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके कॉर्नर पर मैं ऐसे डबल फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिच कर लूँगी, जो हमारा बाहर का साइड है उसकी तरफ। तो यहाँ मैं डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर रही हूँ। और ये अम्ब्रेला है, मतलब सर्कुलर में है, तो इसे आराम से मैं फोल्ड करते हुए स्टिच करूँगी। इसमें हो सकता है बीच में हमारे थोड़ी प्लेट्स भी बने, ऐसे गोलाई में घुमाते हुए हमें इसे स्टिच करना है। बिल्कुल पतला सा फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर मैं।
यहाँ मेरी स्टिचिंग हो गई है। इसी तरीके से मैं दोनों स्लीव्स तैयार कर लूँगी। तो यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है। अब मैं दोनों टॉप पोर्शन को ऐसे रखते हुए शोल्डर अटैच कर लूँगी, अंदर की साइड सीधा रखते हुए। तो यहाँ मैंने टॉप भी स्टिच कर लिया है, एक साइड का शोल्डर स्टिच किया है। और अब ये जो पट्टी मैंने कट की थी, इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए मैं सीधे साइड में ऊपर से रखूँगी और इसे स्टिच कर लूँगी। पूरे फ्रंट और बैक नेक में हमें इसे जॉइंट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। सीधे साइड में मैं ऐसे ऊपर फोल्ड करते हुए इसे रखूँगी और ऐसे बिल्कुल कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेना है। ये मेरा कॉटन फैब्रिक है जो मैंने बस 100 रुपीज़ में 1 मीटर लिया था, और ये 100 रुपीज़ में हमारा कॉटन टॉप, जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है समर्स के लिए, रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पूरा जॉइंट कर लिया है। ये हमारा जॉइंट हो गया। अब मैं यहाँ, ये हमने स्टिच किया था, इसे फोल्ड करते हुए ऐसे एक ऊपर से स्टिच लगाएंगे टॉप, जिससे हमारी स्टिचिंग जो है सिक्योर हो जाएगी। तो मैं स्टिच करके दिखाती हूँ आपको कैसे स्टिच करना है। यहाँ मैंने फोल्ड करते हुए सीधे साइड से ऐसे ऊपर रखा है और बिल्कुल कॉर्नर पर स्टिच लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ मेरी स्टिचिंग हो गई है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है। अब ये उल्टे साइड से हमें एक और स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर मैं उल्टा रख रही हूँ उसे दोबारे, और एक और स्टिच में यहाँ दूसरे साइड से लगाऊंगी इस पट्टी को ज्वाइंट करते हुए। तो ये मेरा जॉइंट हो गया है, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है सीधे साइड से। अब मैं दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लूँगी। एक तो हमारा पहले से जॉइंट था, दूसरे को भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो मेरा स्टिच हो गया है। अब मुझे इसमें स्लीव्स जॉइंट करनी है। तो स्लीव्स में जहाँ से मैंने जॉइंट किया था वहीं से मैं इसे पॉइंट करते हुए, बिल्कुल जहाँ स्टिच का मार्जिन है हमारे शोल्डर का स्टिच और स्लीव्स का, उन दोनों को ऐसे जॉइंट रखते हुए पहले हम एक तरफ से सिलेंगे फिर दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। तो हमें दोनों स्लीव्स ऐसे ही स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ मैंने स्लीव्स भी स्टिच कर ली है। अब हमें साइड से इसे स्टिच करना है। तो मैं यहाँ पूरे साइड से, दोनों साइड में स्लीव्स और साइड की फिटिंग पे स्टिच कर दूंगी। यहाँ मैंने टॉप को थोड़ा लूज ही रखा है, उसी तरह से हमें स्टिच कर लेना है। और नीचे से भी मैं ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी डबल फोल्ड करके। तो यहाँ मेरा टॉप अब रेडी हो गया है। आप देखें इसका कितना अच्छा लुक आ रहा है। आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, मैंने इसे ऐसे ही रखा है। थैंक यू।